मजदूरी देने के बजाय हाथ काट लिया। मामला सिरमौर थाना अंतर्गत ढोल गांव का। आज जिला न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास सहित अन्य धाराओं में सुनाई सजा। 20 नवंबर 2021 को सिरमौर थाना क्षेत्र के ढोल गांव में ठेके पर काम लेकर घर बनाने वाला मजदूर अपना पैसा जो केवल 15,000 रुपए था मांगने गया था। बदले में मकान मालिक ने मजदूरी देने की जगह मजदूर का हाथ ही काट लिया। हम आपको बता दें, अशोक साकेत मजदूरी का काम किया करता था, लोगों के घर के बनाने का काम करता था, जिसके चलते उसने गणेश प्रसाद मिश्रा जो कि ढोल गांव के थे उनका घर ठेके पर लिया था। जब उसने अपनी मजदूरी मांगी उसने कहा मेरे 15,000 रुपए निकलते हैं। गणेश प्रसाद ने साफ तौर से इनकार कर दिया, तुम्हारे पैसे इसमें नहीं निकलते। इसी बात में बातचीत हुई, गणेश प्रसाद ने तलवार उठाई और उसके हाथ में मार दी। यही नहीं, कटे हुए हाथ को भी उन्होंने गायब कर दिया था, जो कि तत्कालीन SDOP सिरमौर BS परस्ते ने बाद में खोजा और उसके बाद अशोक साकेत और हाथ को लेकर रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने जहां पर हाथ को जोड़ दिया, लेकिन इस दौरान काफ़ी देर हो गई थी, अशोक साकेत का हाथ नहीं जुड़ पाया। अशोक साकेत का एक हाथ पूरी तरीके से शरीर से अलग हो गया। मामला कोर्ट में आया जिसमें आज फैसला हुआ। विशेष न्यायाधीश CM उपाध्याय की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता शासकीय सूरज पांडे और राकेश निगम की पैरवी में 307 मामले में 10 साल, 326 मामले में 10 साल जो एक साथ सजा चलेगी, अयोध्या अधिनियम 25(2) में 3 साल और 325 एक्टोसिटी एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पूरे मामले को लेकर हमने वरिष्ठ अधिवक्ता सूरज पांडे और राकेश निगम से बात की, जिनका साफ तौर से कहना था मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हमने ज़्यादा ही सावधानी बरती। ठीक उसी तरीके से हमें गवाहों ने साथ दिया और आज हम एक दोषी एक अपराधी को सजा दिलाने में कामयाब रहे। सुनिए सूरज पांडे और राकेश निगम क्या कुछ कह रहे हैं। 21 को ग्राम डोल में गणेश प्रसाद मिश्रा के मकान का काम चल रहा था, जिसका ठेका अशोक साकेत ने लिया था। अशोक साकेत की करीब 15,000 रुपये मजदूरी बाकी थी। अशोक साकेत मजदूरी लेने के लिए गया 11 बजे करीब, तो उन्होंने कहा इतनी मजदूरी तुम ज़्यादा बता रहे हो, मजदूरी कम होती है। तो उसने कहा कि आप हिसाब देख लीजिए, हमारी 15,000 रुपये मजदूरी बाकी है, 15,000 रुपये मजदूरी हमारी आप दे दीजिए। इसी बात पर वो नाराज़ हो गए और तलवार उठाकर वो और अश्लील गाली देते हुए उसके ऊपर तलवार चला दिया, जिससे उसका बायां हाथ कट गया और कान में चोट लगी। घटना होने के बाद तुरंत बाद उसका हाथ नहीं मिला और कहीं छुपा दिया हाथ। उसकी रिपोर्ट थाना सिरमौर में की गई। थाना सिरमौर में रिपोर्ट करने के बाद तत्कालीन SDOP PS परस्ते साहब ने प्रकरण की गंभीरता से विवेचना करते हुए और तुरंत मुलजिमों को पकड़ा और पीड़ित व्यक्ति को अशोक साकेत को लेकर अस्पताल में भर्ती कराया। पूरा प्रयास किया कि उसका हाथ जो कटा हुआ है वो हाथ किसी तरह से जुड़ जाए और डॉक्टरों ने भी प्रयास किया कि उसका हाथ से जुड़ जाए, लेकिन हाथ इतनी देर बाद प्राप्त हुआ कि जिसकी ऑपरेशन करने के बाद भी हाथ जोड़ने के बाद और हाथ में इन्फेक्शन शुरू हो गया। इसके बाद फिर जो कटा हुआ हाथ था उसको निकाल दिया गया, जिसके वजह से वो जीवन भर अपाहिज हो गया। जिसकी पूरी विवेचना के करने के बाद PS परस्ते साहब ने विशेष न्यायाधीश श्रीमान CM उपाध्याय साहब के यहाँ चालान प्रस्तुत किया और चालान प्रस्तुत करने के बाद माननीय न्यायालय ने
प्रकरण में तमाम आई हुई साक्ष्य की विवेचना करने के बाद, प्रकरण की तमाम परिस्थितियों पर विचार करने के बाद और दोनों पक्ष उभय पक्षों के तर्क श्रवण करने के बाद अदालत ने ये पाया कि आरोपी गणेश प्रसाद मिश्रा ने जान से मारने की नियत से तलवार से वार किया और जिसने बायां हाथ आगे करने के बाद उसके कान पर भी चोट लगी, तो 307 में 10 वर्ष की सज़ा, 326 में 10 वर्ष की सज़ा, आयुध अधिनियम 25(2) में 3 वर्ष की सज़ा और 325, क्योंकि गणेश मिश्रा को ये मालूम था कि अशोक साकेत एसटीएससी का है और उसके ऊपर ये वारदात किया, इसके कारण 325 में आजीवन कारावास की न्यायालय ने आज दिनांक को सजा सुनाई है। उस फैसले में सजा हुई है 10-10 साल की, 3 साल की आजीवन कारावास। जी जी, जिसको सजा हुई है उसने एक ऐसे व्यक्ति पर हमला किया था जो मजदूरी करता था, उसका हाथ कट गया था। किस तरीके से पैरवी करने में आपको क्या दिक्कतें आई और क्या आपको ऐसा लगा कि इसके लिए अच्छी तरीके से पैरवी करनी चाहिए? अब चूंकि ये मामला संवेदनशील ज़्यादा था, मजदूर आदमी था, घर में कमाने खाने वाला अकेला सदस्य था और हाथ ही मजदूर का ही सबसे बड़ा औजार है और वही कट गया था, तो इस मामले में संवेदनशीलता के साथ पैरवी की गई मेरे द्वारा और हमारे आदरणीय विशेष लोक अभियोजक राकेश निगम जी द्वारा। दोनों लोगों ने मिलकर इसको जो है पैरवी किया और इसको ये मामला इस चिन्हित के रूप में रखा गया था, संवेदनशील होने के कारण इसको चिन्हित और जघन्य सनसनीखेज मामला चिन्हित करके इसको सौंपा गया था और आज माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश आदरणीय श्री सीएम उपाध्याय साहब द्वारा जजमेंट सुनाया गया जिसमें आरोपी को उसके कृत्य की सज़ा मिली और कठोर से कठोर सज़ा मिली, पूरी सज़ा जो धारा 307 की सज़ा है पूरी सज़ा उन्होंने दिया और हम इस केस में सफल हुए। अच्छी विवेचना थी और गवाहों ने हमारा साथ दिया, पीड़ित ने साथ दिया, पीड़ित और पीड़ित के पक्ष के जो भी आई विटनेस थे, जो भी उन्होंने घटना का समर्थन किया, वैज्ञानिक साक्ष्य भी एकत्र की गई और हर साक्ष्य के पहलू पर जो है मामला खरा उतरा और सजा हुई। और इसमें मुख्य पक्ष उसका यही था ब्रूटल, इसलिए कि हाथ पूरी तरह तलवार से पूरी तरह से हाथ कट ये जो है कट गया था, तो इस कारण ये मामला थोड़ा ज़्यादा हाईलाइटेड था और संवेदनशील भी था, तो इस मामले में पैरवी हुई और सफल हुए।